डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। धारी पन्यारी गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ काली मठ से, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं आ रखी हूँ अपने गांव, जो बाजार है काली मठ उससे थोड़ा ऊपर है। हमारा काली मठ गाँव बहुत फैला हुआ है, मतलब एक जगह पे नहीं है। हर गांव का जो तोक है वो कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पे बसे हैं घर, और इतने सारे लोग को इकट्ठे होने में बहुत ही परेशानी होती है। सबका जो बाज़ार है जहाँ मंदिर है वहाँ पे है, और सब लोग उस बाज़ार वाले मंदिर से 2-2 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, और मंदिर के चारों तरफ काली मठ बसा हुआ है। तो आज हम आए हैं दूसरे मंदिर से जो ऊपर की ओर है, वहाँ आ रखे हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप घर देख रहे हैं ये सब लोग बाजार बसे हुए हैं, पर तब किसी ने यहाँ पे गौशाला है तो उसकी वजह से इनको गौशाले में आना पड़ता है दिन में। तो हम भी आए हैं आज किसी काम से यहाँ पे, तो हम इनके घर में यहाँ आए थे देखने। तो घर देखो कितने अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पे, छोड़ के जा रखे हैं। और सब ने यहाँ पे, किसी ने तो गाय रखी है, किसी ने ये जो बैठे हैं ये तो इन्होंने गाय भी नहीं रखी है, और बाजार बैठे हैं। आज देखने आए थे हम इनके घर, तो देखो आप इतने अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पे, पर सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं बाजार की तरफ। और यहाँ नीचे ये बहुत ही प्यारा जंगले वाला पुराना जमाने का घर है ये वाला, और सब छोड़ा हुआ है। चाय बन नहीं जी तो अभी तेरे कौन होनी जी कोरा पानी। अब देखते हैं यहाँ क्या बन रहा है। अभी यहाँ आग जल रही है, पलायन का भी तो ऐसे ही होता है। चामक है खाना मन बिस्कुट चल लो बिस्कुट। अच्छा सारी व्यवस्था थी कोई तो डबू पपियो नहीं कोई बटोला पपिया आई। ये आ गई है चाय, चार लोग चार बिस्कुट। जो द्वि बिस्कुट खा लेते थे क्या ची हैं छानी मते खाने लगा छानी मा करू डेरू बाजार छोड़ू चा ए भैंसू तेरा बाना ए थोरी तेरा गाइड पीडो तो निमे बारो होली मजामा। चाय पिया आप शहर बिस्कुट दिया किलो पियो ना पोनी छानो ये है गेर वालों की गाय गेर है इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है क्या क्या कच्चे नहीं मेरा हाँ इसे ना हमारा घास या फुन भी तफुन भी या मुख्य कुछ या बार या कड़ू या भी मुख्य फुन या भी मुख्य फुन ये कड़ू है मेरी या कड़ू है ये वो बीड़ी है अगर
तो ये है इलायची, इलायची कितना बना, इलायची बोला, इलायची बड़ी इलायची, बड़ी इलायची में डालने के लिए होती है। साग चामन वहाँ डाल में वो आप देखते हैं वो वहाँ लगी है नहीं। हाँ अब वहाँ जाके देखेंगे कितनी लगी है। पेड़ तो बहुत हैं यहाँ, आगे नीचे भी हैं। ये है मकान मालिक, देख सकते हैं ये सब लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इतने अच्छे अच्छे घर देखो आप, ऐसे घर छोड़ के जा रखे हैं, सब बाजार के वासी हो गए हैं। यू कहे कुछ तुम्हारा वाह, अच्छा यू भी थी तुम्हारो सोनू को कुछ तो ये जा रखे हैं अंदर यहाँ ढूंढने के लिए इसके। मुझे लग रहा है भालू भी यहीं छुपा रहा होगा। ए बतवेन में मुसो भी नहीं दिखे बालून कम कर छ तुम साल बाल बाल ना करो बाल बाल ना कर। हां ए पुता ये पछला पड़ेगा ए गाड़ ना कपर होने लग गया ऐसी। अरे अमन जानी नहीं वाली ना सॉर्ट गेन वे। तो ये एक बार लाल कलर की होती हैं, फिर सुखाते हैं, फिर ये काली हो जाती हैं। हाँ मैंने भी सुखाई थी। कपर कौन से लगी? अच्छा ये नीचे नहीं लगे तो ये सॉरी ये पायो ते पर ऐसे पे सॉरी भाई। हाँ सच्ची। तो जिसको भी चाहिए आप संपर्क करें, वीडियो में कमेंट करें। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ, मालिक साहब ये हैं। और कितने रुपए किलो है? 1500 जो या कर आग फोन बाजल 1500 रुपए किलो तो सच्ची है? पेड़ से अलग है तो पेड़। अच्छा पेड़ भी कण निकाला निकाला जाना ना हम यूं जानी सार हम नहीं जानी जानी तो भाई मेरे तो सॉरी ना मिलो सब ताप हमारे कोरे दा भी सॉरी ना तो ये दा तेन कैन केप कैन बोल दो हूं यहां ना ना ये बुया रे सॉरी अच्छा ये बुता दे दो मैंने अम्मा खाना रोन ले पचन। हम उन्हें जाने ना पहले हम कहे तो यहाँ पर ना कामने लग दी बोली कामने कहे बोली नहीं हमने रोनी चाय वाल नहीं ना मिता पता चल ऐसे लाल होती हैं फिर सुखाते हैं फिर काली हो जाती है। ये इतने सारे पेड़ हैं यहाँ। आज से पूरी कितने मिले? हाँ तो जिसको भी इलायची के पेड़ चाहिए तो संपर्क करें, काली मटाएं और इनके घर में यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं नीचे और पेड़ ले जाएं। और बीज तो अभी खत्म हो गए हैं, बीज निकाले नहीं हैं, टाइम पे नहीं निकाले तो सड़ गए हैं। पता नहीं था पहले इनका, इनके भी दो खेत हैं, पता नहीं था पहले। अब जिसको भी चाहिए होगा बता देना। ये है इनकी गौशाला और उनकी भी। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले भालू का बहुत ज़्यादा आतंक हुआ था और भालू ने यहाँ पे इनकी गौशाला से पूरे पत्थर निकाल के नीचे से गाय जो तुम बोल दो छा हाँ सब उनको मार दिया था, गाय को भी। भालू का खतरा होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
पुराने जमाने के बहुत सुंदर घर हैं। तो जो आप देख रहे हैं इतने ऊपर यहाँ तक फैले हुए हैं हमारे गांव के लोग, और ये सड़क इतनी नीचे है। फिर यहाँ से सड़क से उस पार जो घर दिख रहे हैं वहाँ भी कुछ लोग वहाँ भी रहते हैं, और कुछ वहाँ ऊपर रहते हैं जहाँ वो चीड़ के पेड़ हैं। और कालीमठ यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर दूर है। तो कालीमठ बहुत फैला हुआ गाँव है। तो अब हम निकालेंगे बुरांस। तो अब हम निकाल रहे हैं थोड़ा बुरांस दुकान के लिए, पूजा की थाली के लिए। तो जब यहाँ आए हैं तो थोड़ा बुरांस लेके जाते हैं, क्योंकि हम डेली शाम को तो बुरांस लेके ही जाते हैं। तो इस साल तो पता नहीं कितने ज़्यादा बुरांस हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही बुरांस हो रखे हैं इस साल। हर पेड़ में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पेड़ में बुरांस लगे हुए हैं। तो एक जा रखी है पेड़ पे, वो यो को फूल लियो ने या को फूल का का जान मुझे डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।